देखो, एक दोस्त ने कमेंट करके हमें बताया कोट का कटिंग के लिए। इससे पहले भी मैं बताया था कोट का कटिंग, वो लेडीज़ कोट था, लॉन्ग कोट था। आज मैं बता रहा हूँ जेंट्स कोट का। देखिए, मैंने एक कपड़े के दो पल्ला कर लिए हैं। देखिए, इतना ही मेरा कपड़ा है, इसमें से एक कोट निकालना है। पहले हम इसको सीधा से बैठा लिए। ये जो किनारी है साइड में कर लिए, इसका बीचे बीच यहाँ पे बैठा के हम इसको बीचे बीच से पहले बैक कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा एक मार्क ले लेंगे, फिर इसको एक अंदाज से 2 इंच मार्क लगाएंगे। 27 इंच लेंथ है इसका, 35 इंच चेस्ट है, 32 इंच बेस्ट है, 36 इंच हिप है और 16.5 इंच कंधी है, शोल्डर है। तो पहले हम 27 इंच मार्क, यहाँ पे 27 इंच पे मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच फालतू लगाते हैं। उसके बाद एक सीधा निशान यहाँ पे मार लेते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लाएंगे। तो पहले हम इसका कमर का एक मार्क लगा लेंगे 16.5 पे, एक मार्क लगा लेंगे 9.5 इंच पे। एक मार्क लगाएंगे 7.5 इंच पे। ये देखिए, ऊपर से 7.5 इंच और 9.5 इंच चेस्ट का मार्क लगाएं। अब ये दोनों मार्क को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 1.25 इंच लगाएं, यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 0.5 इंच। ये स्केल से हम हल्का यहाँ पे सेप देंगे। उसके बाद ये स्केल फिर ये स्केल का सेव यहाँ पे हल्का रहेगी। पीछे गले के लिए 3 इंच देंगे, कॉलर के लिए 3 इंच पे मार्क लगा लिए और 16.5 शोल्डर है, तो 16.5 शोल्डर का और ये थोड़ा मार्जिन रहेगा, 0.5 इंच मार्जिन रहेगा। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा ही रखिए, बाद में स्टिप चिपकाते समय छाटना पड़ेगा। उसके बाद ये चेस्ट का साइज, चेस्ट है 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा कितना है 9.25, हम 9.25 एक मार्क लगा लिए, 1 इंच कम कर लिए। ये मार्क फालतू हो गया, 1 इंच हमको इतने ही पे कटिंग करना है। 32 इंच है बेस्ट, यानी कमर 32 इंच है, 32 का 8 आता है,
तो आप 1 इंच इसमें कम करेंगे, 7 इंच देंगे, और 36 इंच, 36 इंच हीप है, 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, देखिए चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, लेकिन इसमें 1.5 इंच कम करेंगे तो ये हमारा तैयारी आएगी 7.5 इंच, यानी हमारा बैग 15 इंच होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 इंच होगा, यहाँ पे 15 इंच होगा। हम इसको ऐसे मार्क लगा लेते हैं, ये हल्का सेब स्केल यहाँ पे मार्क लगाते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर तक मार्क लगाएंगे। ये जो मैं कंधे का मार्क लगाया इसको हम सीधा मार्क लगाएंगे। यहाँ से हल्का सेप देंगे, अब हम इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे, ये जो हमने मार्क लगाया है यहाँ से ऐसे सीधा कटिंग कर लेंगे, और जितना मार्क लगाया उतना ही मार्क के ऊपर कटिंग करते जाएंगे, और यहाँ से ऐसे करके सीधा ऐसे कटिंग हल्का सेप देके यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, और ये कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे आपको ये जो मार्किंग है ये मार्किंग के ऊपर ही सिलाई आएगी। उसके बाद हम बैक तो ये हमारा रेडी हो गई, अब हम फ्रंट काटेंगे। लेंथ नाप के देख लेंगे, 27 इंच आ जाना, क्योंकि ये हम ये जो स्केल से अंदाज से मार्क लगाते हैं कम ज़्यादा होने का चांस रहती है। तो देखिए ये 27 इंच आ रही है, और थोड़ा बढ़ भी रही है, तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेस्ट है 35 इंच, 35 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच आता है, हम यहाँ से 9.25 इंच, ये 9.25 इंच हो गया है, इसमें 5 इंच लूजिंग देंगे। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, चेस्ट का मार्क लाएंगे, चेस्ट है हमारा 35 इंच, तो 9.25 इंच, यहाँ से 9.25 इंच का मार्क लाएंगे। बेस्ट है 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच मार्क लाएंगे, 36 इंच हिप है, 9 इंच मार्क लगा लिए। ये मार्क हम सीधा कर लेंगे, जो मार्क है मार्क से हम यहाँ पे तीन इंच लेंगे, 3 इंच का मार्क लगाएंगे। अभी इसको हम सीधा एक मार्क लगा लेंगे,
यहाँ पे 1.25 इंच रहेगा, और यहाँ पे कपड़ा नहीं है, इसके वजह से मैंने सीधा मार्क लगा लिया। यहाँ पे 3 इंच, अब इसको डाउन कर लीजिए, ऐसे सीधा मार्क लगा लीजिए, ऐसे सीधा मार्क लगा लिए। अभी यहाँ से है ना, ये 1.25 इंच आगे बढ़ा लीजिए, 1.25 इंच आगे बढ़ा के मार्क लगा लीजिए। यहाँ पे भी 1.25 इंच बढ़ा के मार्क लगा लीजिए, और ये सेब स्केल से है, आप यहाँ ऐसे मार्क लगा लीजिए। और यहाँ पे ये स्केल से आप ऐसा कीजिए, ये जो यहाँ से ये हल्का 1 पॉइंट अंदर ले लीजिए, ये हम बैक देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रही है, 1.25 इंच आ रही है। पौने 6 इंच पे हम मार्क लगाए हैं, इसको नीचे गिराएंगे 1 इंच, यहाँ थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और इसके हिसाब से मार्क लगा लीजिए। देखिए ये यहाँ से ये मार्क पे अब चेस्ट का चौथा हिस्सा लगा लीजिए, देखिए 1.9 इंच। यहाँ पे आप थोड़ा मार्जिंग दे दीजिए, जो हमने ये मार्क लगाया है, पहले हम देख लेते हैं इधर कितना है, 1.6 इंच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा क्रॉस करेंगे, ए मार्क और ए मार्क, ऐसे मार्क लगा लीजिए। उसके बाद ये आप चौक मिट्टी को ऐसे इशारा से उसकी गुलाई कर लीजिए, और यहां से ऐसी गुलाई होगी। यहां से ऐसे कट जाएगी, यहां से ऐसी कट जाएगी। हम इसको थोड़ा और नीचे डाउन करेंगे, डेढ़ इंच डाउन करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच, ये 15 इंच का एक हम मार्क लगाएंगे। यहाँ से ये ब्रेस पलटी होगी, ऐसे होगी, इसमें 2 बटन रहेगी,
अब इसको गोलाई कर लेते हैं। इस तरह गोलाई कर लीजिए, यहाँ से ऐसे कटिंग हो जाएगी, यहाँ से ऐसे कटिंग होके यहाँ तक कटिंग हो जाएगी, मार्क के ऊपर कटिंग होगी। हमने जैसे मार्क लगाया है यहाँ से इतना एक दांत की मार्जिन छोड़ के, थोड़ा मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर लिया जाएगा। देखिए इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिए। ये बैक का मार्क हो, जहाँ पर मार्क है यहीं पर, जितना मार्क हो उतना ही पे आपको कटिंग करना है। और अब इसमें लूजिंग का हिसाब, हमने हर जगह फिक्स मार्जिन दिए, अब इसमें लूजिंग कितना रखना है अब वो हमको तय करना है। तो सबसे पहले ये तो कट जाएगी, तो इतना और यानी 1 इंची इसके अंदर मार्जिन जाएगी, 1 इंची, और 4 इंच इसमें 4 या 5 इंची लूजिंग रख सकते हैं, फिटिंग है तो 4 इंची लूजिंग रख सकते हैं, हम इसको 4 इंची लूजिंग रखेंगे। यहाँ पे हम 4 इंची लूजिंग, ये कट जाएगी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे लूजिंग कम रहेगी, ये इतना कट जाएगी, इतना फिर इतना तैयारी आएगी। और पहले मार्क लगा लेते हैं, थोड़ा अंदर डाउन कर लेते हैं। अब ये देखिए कि ये कितना है, ये 1/4 इंच है, 1/4 इंच यहाँ पे मार्क लगाइए। और यहाँ से पैकेट का मार्क लगाइए, 4 इंच पैकेट रहेगी, थोड़ा इधर ले लीजिए, 4 इंच पैकेट रहेगी, वॉलेट पैकेट। नीचे से 8.5 इंच रहेगी पैकेट के लिए, 8.5 इंच पे एक सीधा मार्क लगाइए। यहाँ से 3.25 इंच रहेगा जो यहाँ से हमारा पैकेट लगेगी। वॉलेट पैकेट का पहले देख लीजिए, ये वॉलेट पैकेट 4 इंच है, 2 इंच का मार्क लगाइए यहाँ से, और यहाँ से सीधा एक मार्क लगाइए, इसमें जो डॉट रहेगी डॉट का मार्क रहेगी।
यहाँ पे फल आप लग जाएंगे। ये देख लीजिए, ये कोट का मार्किंग पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कटिंग करना है बैक का, ये सेम मार्क के हिसाब से कटिंग करना है, समझे। उसके बाद आए आपको फ्रंट को यहाँ से लीजिए, यहाँ थोड़ा मार्जिन छोड़ के कटिंग करते हुए यहाँ ऐसे कट कर लीजिए। ऐसे कट करने के बाद फिर यहाँ से सीधा कट कीजिए। ये बिल्कुल जितना मार्क है ना, ये मार्क के ऊपर कटिंग करते हुए चले आइए। फिर इसके बाद है ना, ये जो देखने में बड़ा दिख रहा है, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, इतना छोटा हो जाएंगे। अभी ये आर्मोल देखने में बड़ा दिख रही है, जब दोनों तरफ से मार्जिन सिलाई का मार्जिन जाएगी तो ये आर्मोल छोटा हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसको कोट काटना नहीं है। ये वास कोट के लिए मैं ये कपड़ा रखा हूँ, ये वो इसको मैं वास कोट बनाऊँगा। इसके वजह से आपने बोले कि कोट का कटिंग बताइए, तो इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। और आपको समझ में ना आए तो हमसे पूछ लीजिए, और कोई मैं जैसा बताया हूँ उस तरह आप सुकून से देख लीजिए। अगर समझ में ना आए तो पूछिए, एक बार नहीं बार बार पूछिए, हम बताने में हिचकिचाएंगे नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे आए हैं पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आस्तीन, इसका जो आस्तीन काटने का तरीका इससे पहले वाला लॉन्ग कोट में बताया हूँ, लेडीज़ कोट में सेम वही तरीका रहेगा आस्तीन कट करने का, या लेडीज़ रहे या जेंट्स रहे, सेम वही तरीका रहेगा। आप चेस्ट के हिसाब से आस्तीन का चौथा हिस्सा पल्ला बैठा के आप कटिंग कर सकते हैं। मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए आस्तीन कट करने का, उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी आस्तीन कट करने का। और ये जो फ्रंट है सेम आपको इसी तरह कट करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।